अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब राजपुताना के नुजार और संसान पहाड़ों के सीने पर एक अजीब और गरीब ड्रामा खेला गया था और ये संगीन चट्टाने जहां भटकती हुई रूहें भी नहीं पहुंच सकती ये वादियां जहां से इंसानों के काफले बहुत कम गुजरते हैं ये हौलनाक किनारे जहां मौत पहरे दिया करती है और ये ऊंची चोटियां जो आसमान से बातें किया करती हैं उस ड्रामे के तमाशाई थे लोग पत्थर को बेहिस और बेजान समझते हैं लेकिन कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर दर्द भरी कहानियां रखते हैं ये कम लोगों को मालूम है कि इन जलते हुए पत्थरों के सीने पर यह गुलाब का पौधा हमेशा सरसब्ज और ये दोनों फूल हमेशा सुर्ख क्यों रहते हैं न जाने आज किस गरीब की शामत आई चिड़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं सोने के पलंग तुम्हारी राह देख रहे हैं रेशम के झूले तुम्हें आवाज दे रहे हैं चलो मेरे साथ महल की सीढ़ियों को सोने के पलंग और रेशम के झूलों को मेरा प्रणाम कह दो और तुम एक काम करो जल्दी कहो क्या हो गया
अपने महल में जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। राजा और प्रजा में बाप और बेटी का रिश्ता होता है। तैया, जो डाली आसानी से नहीं झुकती, उसे ताकत से झुका दिया जाता है। कुछ डालियां ऐसी भी होती हैं, जो टूट जाती हैं, झुका नहीं करती। ये बात है, सिपाही लो। अरे क्या है? सैया को जमींदार ले गया। क्या कहा? ये झूठ नहीं बाबा, जल्दी जाओ नहीं तो सैया बर्बाद हो जाएगी। जमींदार, जमींदार, छोड़ने के लिए नहीं पकड़े जाते। पहले तमाचा, बाद में प्यार। ये औरत की फितरत का पुराना दस्तूर है। मैं बहुत से तमाचे खा चुका हूं। चल, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, कोई बचा मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। खूबसूरत हिरनी को शेर के पंजे से कोई नहीं बचा सकता। साहब देखिए, मैं अभी जिंदा हूं। पापू, जिम्मेदार, तूने कमजोर समझकर मेरी इज्जत पर हमला किया है, लेकिन ये भूल गया कि इस हमले के जवाब में तुझे पहाड़ से टकराना होगा। मैंने कितने ही पहाड़ रास्ते से हटा दिए हैं। टकराने का ख्याल छोड़ दे और मुझसे इस लड़की की कीमत मांग। जो कहेगा वही दूंगा। एक गरीब बाप से उसकी बेटी खरीदना चाहता है? हाँ, खरीदने की हिम्मत रखता हूं, इसलिए खरीदता। अच्छी बात है, पर इस लड़की को गौर से देख। जिसके साथ शादी की तमन्ना में तो जैसे बीसियों दौलतमंद और सरफिरा को जूते मार के घर से निकाल चुका हूं। बोल क्या देता है इसकी कीमत? 5,000। बहुत कम है। 10,000। जाओ, ये भी कम है। 15,000। कुछ और बढ़ो। 25,000। मुझे मंजूर है। बापू, बापू, क्या कर रहे हो बापू? मेरी बच्ची, बाप का सर जिंदगी में दो ही बार झुकता है, एक बेटी के जन्म लेने पर और एक बेटी के बदनाम होने पर। मैं तुम्हारी बदनामी और अपनी बेइज्जती की कीमत का फैसला कर रहा हूं। 25,000 रुपए? मैंने 25,000 रुपए मंजूर नहीं किए। मैं तो इससे चांदी या सोने के 25,000 टुकड़े नहीं चाहता। मैं तेरी छाती से निकले हुए गर्म गर्म खून के 25,000 कतरे चाहता हूं।
तम्मी। बापू क्या कर रही हो? बापू, बापू रुक जाओ। बापू, 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 बापू। अगर मैं मुकाबले में मारा गया तो इस गांव में न रहना, जगतपुर की रानी साहिबा के पास चली जाना। शायद वो तेरे हाल पर रहम खाकर अपने साया में ले ले। किसी जमाने में रानी साहिबा के खानदान और हमारे खानदान में गहरा संबंध था। जगतपुर मेरी बेटी, जगतपुर। मैंने कहा आप इसी ट्रेन से आ रहे हैं? जी नहीं, आसमान से। सुनिए तो, बड़ा लंबा सफर तय किया है आपने, भेजने वाला तो खैरियत से? भेजने वाला बड़े मजे में है, नर्क में बहुत से कमरे खाली हुए हैं, तुम्हें बुलाया है। मुझे बुलाया? मैंने कहा बात तो सुनिए, आप तो मिजाज की बड़ी तेज मालूम होती हैं। इतनी तेज के चेहरा रह जाता, नाक उड़ा दिया करती हूँ। ओहो, तो गया आप लड़की नहीं बल्कि नाई का उस्तरा है। चुप, बदतमीज, मुझे ऐसी वैसी लड़की न समझना। बाप रे, क्या लड़की है। अरे छोटे ठाकुर, आप कहाँ? पुराने ठाकुर साहब तो मजे में है ना? हाँ भैया, मेरे सिवा सब मजे में है। बात यह है कि सैया नाम की एक लड़की इस ट्रेन से आने वाली थी, मगर मालूम होता है यहाँ तो बारूद की थैली उतरी है, अब वो भी आसमान से। मैंने कहा जरा सुनिए तो सही मेरी बात, ना। माफ कीजिएगा, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं। इस गाड़ी से मैं उतरी हूँ, मेरा ही नाम सैया है, मेरा नाम सैया है। आप अपना नाम गोरख धंधा रख लेती तो बहुत अच्छा था। ये खत आपने भेजा था? जी। बात यह है कि माता जी की तबीयत कुछ खराब हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। आइए। ऐसे ऐसे आइए, क्यों आइए? तुम्हारा ही नाम सही है? हाँ।
जी? हाँ। बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। मैंने कहा बहुत खूबसूरत। तो बात यह है कि ये मोटर नहीं मौत का पिटारा है। मैं कहता हूं मेरे साथ आ जाओ मेरे। और भी खूबसूरत हो गई। मैं ये कह रहा था कि ये मोटर नहीं खटारा है। और उधर देखो वो जानदार घोड़ा, वो शानदार फिटन चलती है तब ऐसा मालूम होता है कि जान की बाई ठुमरी गा रही है। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। ये ठुमरी किसी और को सुनाना, भांड कहीं का, जाओ यहां से। अच्छा हम तो जल्दी। चल बेटे। आप भी अजीब आदमी है। वो बदमाश मुझे इतनी देर तक परेशान करता रहा और आप बैठे मुंह देखते रहे। क्या गहरी बात है आपके गांव का? माफ कीजिएगा, मैं ये सोचता रहा कि आपकी तरफ से बोलूं या उस बदमाश की तरफ से, क्योंकि आप मेरी मेहमान हैं और वो मेरा छोटा भाई। छोटा भाई? जी। बड़ा शरीफ है आपका छोटा भाई। क्या अर्ज करूं साहब, उसकी शराफत से तो सारा इलाका कांपता है। बस यही कहना था आपसे, जरा होशियार रहिए। ओफो। बेटी तू है सैया जी? वाह 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 वाह, आओ मेरे साथ चलो। ओ मेरे भाई। बड़े भाई, मैंने तो सुना था कि दर्द है। कहाँ है दर्द? कैसा दर्द? सर में है या पेट में या दिल में? बदतमीज कहीं का। आधा दर्द, उधर ध्यान लगाओ भाई। सीधी खड़ी हो जा। वही गर्द, वही आंखें, वही चेहरा, वैसा ही खूबसूरत कद। जी क्या बात है माँ जी? कुछ नहीं बेटी, बहुत दिन हुए मैंने अपने आंगन में एक सरों का बूटा लगाया था। ऐसे कद था उसका, मगर एक तूफान आया और वो सरों का बूटा मेरे आंगन में से कहीं दूर चला गया। मैं फिर न देख सकी। मैंने कई बार कहा है कि कुत्ता ना आए घर में, ये कैसे आया, क्यों आया? आ गया तो अच्छा ही तो है, घर की रखवाली करेगा। रखवाली करेगा? मेरे बाजू के छल हो गए हैं जो कुत्ता घर की रखवाली करेगा। कौन लाया है इसे? आपका विजय लाया है। विजय लाया है? तब तो बहुत अच्छा कुत्ता है, खानदान का भी अच्छा मालूम देता है। अरे इसके लिए दूध रोटी मंगाओ ना। अरे ये सब कहां गए? ओ शंकर, शंकर जल्दी आए घर। ये कौन है? आपने ठाकुर प्रताप सिंह का नाम तो सुना ही है, वो बेचारे मर गए हैं। ये उन्हीं की लड़की सैया है। समझा, ठाकुर प्रताप सिंह चल बसे और उनकी निशानी तुम्हारे पास आई है। क्या कहने हैं ठाकुर प्रताप के? कुत्ता, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? कहा ना तुमसे इसके लिए दूध रोटी मंगाओ। क्या हो गया है, ये सब कहां गए नौकर? अरे शंकर, ओ नारायण। बेटी कहां मर गए हैं? इनकी बातों का बुरा नहीं मानना, जबान जरा कड़वी है लेकिन दिल अच्छा। चल मैं तेरे रहने सहने का इंतजाम कर देती हूं। आओ बेटी, आज से ये कमरा तेरा ही है, पसंद है ना? जी। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है तेरे लिए। जी। अब मैं जाऊं?
हाय हाय, मैंने कहा यूं जच रही हो कमरे में जैसे गोरी की आंख में काजल। गोरी की आंख में काजल तो अच्छा लगता है, गोरी के हाथ में जूता कैसा लगता है? हाय हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं कहता हूँ जियो मेरी खातिर जियो। तुमने हातमताई का नाम तो सुना ही होगा। वो कहा करते थे कि एक बार देखा है और दूसरी बार की हवस है, और बंदा अर्थ करता है कि एक तमाचा खाया है दूसरे की हवस। बदतमीज, शर्म नहीं आती लड़कियों से छेड़खानी करते? छेड़खानी लड़कों से थोड़ी की जाती है। हमारे गांव में लंबी जबान वालों की खाल खींच ली जाती है बस। और हमारे गांव में थोड़ी सी दूर पर एक तालाब है, उस तालाब के अंदर रंग बिरंगी मछलियां हैं, और मछलियों के ऊपर नीला नीला पानी, और पानी के ऊपर सफेद बादल, और बादलों के अंदर खूबसूरत से परिंदे चहचहाया करते। सैया आओ न, हम दोनों भी चहचहा लें, क्योंकि बात यह है कि आए जवानी जाए जवानी, जाकर फिर न आए, और चिड़ियों ने चुग लिया खेत तो जाट खड़ा पछताए। कहो ये झूठ बात है? जाती हूँ या नहीं? सही है, मैं अंदर आ जाऊं। हाय हाय हाय। चमगादड़ कहने का आ गई बेटी जी। शाबाश, तू यहाँ बैठ कर रज्जू को बुला लाती है। बड़ा शर्मीला लड़का है, जब तक मैं न बुलाऊ भूखा ही बैठा रहेगा। क्या हुआ? इस तंबक ने मेरी नाक खींच ली। किसने? इसने। रज्जू बाहर निकल, बाहर निकल रज्जू। ये बड़ा बदतमीज है। रज्जू ये क्या हरकत है? हरकत नहीं बरकत है भैया, मैंने नाक तो पकड़ी, इसकी तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? बदतमीज, बकवास बंद करो। नाक नर की हो या नारी की, राजा की हो या भिखारी की, नाक आखिर नाक है। इस पर तुम्हें कर्जा जमाने का क्या अख्तियार? दुनिया की हर खूबसूरत चीज पर मुझे अख्तियार है। अगर मेरा हाथ रोकना चाहते हो तो श्रीमती जी को समझा दो कि कमरे से बाहर जाते वक्त अपनी नाक पिटारी में बंद कर दे, समझे? और अगर यह नामुमकिन हो तो जब तक इस चेहरे के ऊपर यह खूबसूरत सी नाक है, कमरे से बाहर निकलना छोड़ दो। चुप रह बदतमीज। थैंक यू। बंदर कहीं। सैया मैं रज्जू की तरफ से माफी मांगता हूं, वो बहुत शरीर है, उसने नाक तुम्हारी पकड़ी और दिल मेरा फड़फड़ा रहा है। अरे क्या हुआ आपके दिल को? छींक पर छींक आ रही है, शायद जुकाम हो गया है। अगर सचमुच जुकाम हो गया है तो फौरन इलाज करा लीजिए। दिल का जुकाम बहुत बुरा होता है सैया, कैस फरहाद और रांझा सब इसी बीमारी में मारे गए हैं। और तुम उन मरने वालों की जगह संभालना चाहते हो, यही बात है ना? नहीं पिताजी, ये बात नहीं, बल्कि अभी अभी रज्जू ने सैया की नाक पकड़ ली थी तो मैं कुछ इजहार हमदर्दी कर रहा हूँ। पिताजी, भाई साहब बिल्कुल झूठ फरमा रहे हैं, मैंने सैया की नाक नहीं पकड़ी पिताजी, बल्कि सैया की नाक ने मुझे पकड़ ली। लवकी, एक बात याद रखो, अगर इस हवेली में रहना है तो आइंदा इन बच्चों के हाथ में न तुम्हारी नाक आए न चोटी, समझी? बोला, खाना लाओ। पिताजी, माता जी अभी तक नहीं आई हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं बुला लाऊं? हाँ बुला लाओ। जो आज्ञा पिताजी। माता जी, माता जी। भूखी तो नहीं रह गई? जी नहीं। अच्छा ये लैंप ले जा और आराम कर, सुबह को सवेरे उठना, नहाने के लिए तालाब पर जाना है। तालाब में मछलियां, मछलियों पर नीला नीला पानी, पानी के ऊपर बादल, और बादलों में पंछी चहचहाया करती है,
माँ जी ये वही तालाब तो नहीं? पगली कहीं की, जा सो जा। ये था कि पूछिए, कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हें? जी नहीं, बल्कि मेरे यहाँ आने से आपको क्या कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, कोई खास नहीं, फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि रातें लंबी हो गई हैं और दिन छोटे। ये तो मुझे समझ में नहीं आया, जरा समझा लीजिए। मतलब ये कि तुम सोने जा रही थी? आप कहेंगे तो मैं सोने भी नहीं जा। नहीं नहीं नहीं, जरूर जाओ, ठंडी हवा यूं चल रही है जैसे बदन में तीर चुभ रहे हैं। क्या दिल में? दिल में सैया, तुम सो ही जाओ। बात यह है कि हवा इतनी गर्म चल रही है, मेरा मतलब है कि ठंडी चल रही है, बर्फ गिर रही है सैया। अच्छा सैया, गुड नाइट। शेर का बड़ा हुआ हाथ पीछे नहीं हटा करता सही है। मुझे जाने दो। जाने के दो ही रास्ते हैं सरकार, या तो हाथ के नीचे से चली जाइए या हाथ के ऊपर से चली जाइए। तो ये बड़ा हुआ हाथ पीछे नहीं हटेगा? कभी नहीं, हरगिज नहीं। और अगर हट गया तो इसे शेर का नहीं किसी गीदड़ का हाथ समझ। कलाई को क्यों तकलीफ दी? ये बताने के लिए कि औरत मर्द का हाथ भी हटा सकती है और चेहरा भी। तुमने गलत समझा, दरअसल तुम्हारे आने से पहले ये कमरा मेरा था और इस अलमारी के अंदर मेरी हीरे जवाहरात की बोरियां बंद हैं।
تصویر بھی زخمی دل بھی زخمی آخر اس تصویر نے کیا تکلیف دی تھی تمہیں یہی تکلیف کیا کم ہے کہ تمہاری تصویر ہے کی آج مجھ سے بھی نفرت ہے اور میری تصویر سے بھی اور کسی دن دونوں سے پیار ہو گیا ارے جا جا جیو زیا زخمی دل کن میرے دکھا کرو زخمی जवानी ना कीजे दिल ले लीजे दिल दे दीजे ये दिन और तन्हाई हाय ये दिन और तन्हाई हाय हाय रे कौन ये समझाए नित रही न रहे जवानी हम सच कहते हैं कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं ओ उस पार इस दीवार के जो रहते हैं कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं ओ आवाज जवानी देती है देखो अंगड़ाई लेती है घुटके मर जाएंगे अरमान घुटके मर जाएंगे अरमा काहे की झिझक है आओ यहाँ नित रही न रहे जवानी हम सच कहते हैं कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं ओ उस पार इस दीवार के जो रहते हैं कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं ओ हुस्न दिया जिसने तुमको पूछे जब एक दिन ये सुन लो ये हुस्न दिया जिसने तुमको पूछे जब एक दिन ये सुन लो बंदे पे मेरे क्यों जुल्म किया बंदे पे मेरे क्यों जुल्म किया एक झलक दिखा के मार दिया लज्जा में डूब मरोगे हम सच कहते हैं कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं ओ उस पार इस दीवार के जो रहते हैं कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं ओ कितनी प्यारी दुनिया है ये दुनिया तो बहुत प्यारी है मगर इस प्यारी दुनिया में प्यार तो दूर दूर नजर नहीं आता तुमने गौर से नहीं देखा ये डालियां जो झूम रही हैं ये पौधे जो नाच रहे हैं ये पंछी जो गा रहे हैं इन सब की जबान पर प्यार ही प्यार है अजीब बात क्या आप पंछियों की बोली समझ देते हैं और आदमियों की बोली नहीं समझ नहीं नहीं सैया ये बात नहीं समझ तो मैं ये भी लेता हूँ मगर जरा देर से अच्छा तुम सैर करो और आप मैं रोज इस वक्त पूजा किया करता हूँ ये
है जो बज्म की हर चीज को परवाना बना दे। और मेरे भाई भाई जवानी और बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, ये कश्ती पार लगती है ये बेड़ा गर्क होता है। नदी किनारे बरसाती मेंढक टर्रा रहा है। जितना खिताब देना हो दे दो सैया, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि इश्क का दिल भी वही, हुस्न का जादू भी वही है। मैं कहती हूँ तुम जाते हो या नहीं? मैं तो साल में एक बार नहाता हूँ सैया, और जब नहाता हूँ तो सुबह से शाम कर देता हूँ। अब तुम्हारी बारी शाम को आएगी। कहाँ गए ये दोनों? अरे बेटा, पूरा दिन कहाँ लगा दिया तुमने? तालाब पर नहा रही थी माँ। जब से अब तक तालाब पर नहा रही थी? राज तो नहीं था वहां? कौन राज? राज को तो आज सारा दिन मैंने नहीं देखा, अभी तक राज को देखा ही नहीं। नमस्ते माता जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। थाली लोटा जय जयकार। मालूम होता है भोजन बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन है कहाँ? क्या हुआ? कहाँ से आ रहा है तू? तालाब पर नहाने गया था माँ। तालाब पर? हाँ। और सैया? ये भी उसी तालाब में नहा रही थी, ये भी नहा रही थी, मैं भी नहा रहा था। पूछ लो, झूठ थोड़ी कहता हूँ। पूछो। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं खाना ले आती हूँ। जल्दी लेके आओ मां, भूख लगी है। बको मत। हुआ क्या? तुमने माता जी से ये सब बात क्यों कही? तो तुमने ना कहने के लिए रिश्वत दी थी क्या? तो रिश्वत चाहिए तुम्हें? हाँ? सर घुटाने के लिए ना ही रिश्वत लेता है, लड़की नरम हो तो जहां ही रिश्वत लेता है। ओ, तो तुम भी रिश्वत लो। लाओ। ये लो रिश्वत। हा हा, बहुत अच्छे। अरे सर पे खीर गिराओ, तुम्हें डर किसका है? ये दिल किसका है, मेरी जान जिगर किसका है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मीठी खीर है। आहा, बहुत अच्छी रिश्वत, बहुत अच्छी रिश्वत है। आहा, तुम भी खाओगे? हाँ।
सैया सैया कहाँ जा रही हो, नजरें चुका रही हो? अरे बाबा सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है। क्या बताऊँ, आजकल दिन इतने लंबे हो गए, रातें छोटी। मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। अरे मेरा मतलब है कि आप सोने जा रहे थे ना, सो जाइए। नहीं अगर तुम कहो तो न जाओ। हाँ, जरूर जाइए, ठंडी हवा यूं चल रही है, कैसे तेज चुभ रहे हो बदन में। क्या दिल में सही है? हाय हाय, अब तो आप सो ही जाइए, मेरा मतलब है कि सो ही जाइए, हवा इतनी गर्म हो गई है, यानी कि मेरा मतलब है हवा इतनी ठंडी हो गई है कि बर्फ गिर रही है कि गुड नाइट कस्बा। अभी क्या है, शक्ल आंखों में फिरेगी, याद जब आएंगे हम। अरे जाजा समझ न लेना कि तेरे लिए खड़ी थी। ए, तुम भी इस ख्याल में न रहना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया। तो यहाँ चोरों की तरह क्या कर रहे? चोर को पकड़ने आया था। देख बस थानेदार, तेरा रास्ता वो है, मेरा ये है। अच्छा अच्छा, ये माना हमारे रास्ते अलग अलग है, मगर ये तुम्हें मानना पड़ेगा सैया कि हम दोनों की मंजिल एक है। होगी चिटको कहीं का। चिटको चमगादड़, गीदड़, चिटकू, जियो सैया, मेरे लिए जियो। Thank you.
गुड नाइट। गुड नाइट। अरे गुड नाइट नहीं बाबा, गुड मॉर्निंग को। और अगर गुड मॉर्निंग नहीं कह सकती हो तो साफ साफ नमस्ते। तो साफ साफ नमस्ते जी। अब ये बताओ कि तुम ये किताबें पढ़ने के सिवा और भी कुछ जानते हो या नहीं? और का मतलब? और का मतलब ये कि दुनिया में और भी तो कई चीजें होती हैं। किताब भी एक दुनिया है सैया, गौर से देखो तो किताब में हर चीज मौजूद है। तो गौर से देख के बताओ तुम्हारी किताब में सैया का नाम भी है या नहीं? अरे इस किताब में तो क्या, इन तमाम किताबों के हर सफे पर सैया ही सैया देखता हूँ। वाह बेटा, मेरा ख्याल था कि तुम डॉक्टर बनोगे, मगर यहाँ तो मजनू बनने की तैयारियां हो रही हैं। जाओ छोकरी। पिताजी। विजय, मैं जानता था कि सैया कोई न कोई खेल जरूर खेलेगी, लेकिन मुझे तुमसे यह उम्मीद न थी कि तुम उसके साथ मिलकर मेरे खानदान का नाम डुबो दोगे। कौन डुबो देगा, किसको डुबो देगा, मुझे तो बताइए आखिर क्या बात है? मैं अपने उम्मीदों के बाग में एक तड़पती हुई बिजली को देख रहा हूँ ठकुराए, और उस बिजली का नाम है सैया। तुमने दो मासूम फूलों के बीच में एक दहकती हुई चिंगारी रखती है। उस मासूम को चिंगारी क्यों कहते हैं आप? रानी, मैं चाहता हूँ कि विजय की शादी जल्द से जल्द कर दूं, ताकि ये आग और फूल का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं अभी शादी नहीं करूंगा पिताजी, मेरी तालीम पूरी नहीं हुई है। बेटा, जब दिल की किताब खुल जाती है तो सारी किताबें बेकार हो जाती हैं। मैंने तुम्हारे रिश्ते का इंतजाम कर लिया है। परसों राय साहब की लड़की निर्मला अपने बाप के साथ यहाँ दावत में आने वाली है। लेकिन पिताजी। चुप रहो, मैंने जो फैसला किया है वो होकर रहेगा। छोकरी। जी। तुमने इन दीवारों की बुलंदी और इस छत की ऊंचाई को देखा? जी, दीवारें बहुत बुलंद और छत मुझसे बहुत ऊंची है। तो ये भी याद रखो कि चींटी जब ऐसे महल में आती है तो अपनी हैसियत को नहीं भूलती। चींटी? चींटी और इंसान में बहुत फर्क है ठाकुर साहब। बहस करती है मेरे साथ? जी नहीं, कहना ये चाहती हूँ बेचारी चींटी जब ऐसे महल में आ जाती है तो वो नहीं जानती किसके पांव के नीचे आकर फिस जाएगी, किसके हाथ से मसल कर रख देंगे। लेकिन मैं जानती हूँ ठाकुर साहब, और ये भी नहीं भूली कि मैं गरीब हूँ, बेआस और बेसहारा हूँ। गरीब हो तो गरीब बनकर रहो, भिखारी होकर रानियों के ख्वाब न देखो, वरना ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि इतने बड़े महल में किसके पांव के नीचे पिस गई, किन हाथों ने तुम्हें मचल डाला। पत्थर का महल, पत्थर के आदमी। Thank you.
पंछी चोट खाई गया, इसीलिए कहता था कि यूं न उछलो तुम ऐ दिले नादा, चोट लग जाएगी कहीं न कहीं। मजाक ना करो राज, मैं बहुत परेशान हूं। आज मैं भी परेशान, तुम और मैं क्या, सारी दुनिया परेशान है। कोई रोटी के लिए, कोई चोटी के लिए, कोई पतलून के लिए, कोई लंगोटी के लिए। सैया, सच तो ये है परेशानी जिंदगी का जेवर है। लेकिन आज तक इस जेवर को गरीब ही पहनते आए हैं। जरा महलों में रहने वाले अमीरों को पहनना पड़े तो मालूम हो कि ये जेवर कितना भारी होता है। आज गुलाब के फूल में से खुशबू की जगह सर्द दाहें निकल रही हैं। आखिर क्यों सैया? किस्मत। किस्मत? अरे किस्मत की बैलगाड़ी तो गम और खुशी के बाजार से गुजरा ही करती है। न गम किसी का चचा, न खुशी किसी की चची। सैया, जिंदगी एक गीत है, इसे आंसुओं के सांस पर नहीं, कहकहों के मर्दन पर खूब गाओ, खूब गाओ सैया, हंसो गाओ सैया, हंसो। हंसते हंसते भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस्मत साथ ना दे तो दुनिया में कोई चीज भी अपनी नहीं। सैया, किस्मत को अलग कर दो तो हर चीज अपनी है। ये जमीन, ये आसमान, ये पानी, ये जमीन, ये आसमान, ये पानी, ये हवा, ये फल, ये फूल, इन पर जितना अमीरों को हक है ना, उतना ही हक गरीबों को भी। जाओ रज, इतना खूबसूरत झूठ ना बोलो कि गरीब का दिल धोखा खाने पर मजबूर हो जाए। जाने दो रज। सैया, निशाना बहुत अच्छा है। तो क्या मैं बुरा हूँ? मुझे बंदूक चलाना सिखाओगे? शाबाश, हमारे मुल्क की हर औरत को बहादुर और दिलेर होना ही चाहिए। ये लो ये लो, बैठो बैठो बैठो, मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, बैठो। हैं, मैं निशाना ठीक करके आता हूँ। इधर ये निशाना चलाओ। संभाला बंदूक। अरे ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ एक, यहाँ नहीं, यहाँ ये। अब देखो इसको दबाओगे ना तो इसमें से गोली जाएगी। अच्छा अच्छा, अब इस नली की सीध उस निशाने के साथ लगा दो, आंखें बंद करो। मिला लिया? चलाओ गोली। कैसे चलाओ? अरे कहाँ है वो? अरे दोनों नहीं, एक आंख बंद, ये वो खोल दो। हाँ। अच्छा, अब इसको रवाना है। हाँ। चलाओ गोली। कैसे चलाओ? क्यों? सामने दीवार जो खड़ी है। कौन सी दीवार? मैं हूँ तुम्हारे रास्ते की दीवार रज्जू। गोली चलाओ, सोचते क्या? अरे तुम कहाँ से आ गए भैया? कोई हाथी होता, शेर होता तो मजा भी आता, तुम पर बंदूक चलाने से तो गोली के दाम भी वसूल नहीं होंगे। चले जाओ भैया, चले जाओ। दुनिया आग और खून के खेल से थक चुकी है राज, इसे मौत का नहीं जिंदगी का सबक पढ़ाओ। तुम जिस सबक के चक्कर में पड़े हुए हो भैया, वो मैं भी जानता हूँ। खामोश, सैया इधर आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का सही सबक पढ़ाऊंगा। इधर आओ सैया, मैं तुम्हें बंदूक का निशाना सिखाऊंगा। सैया मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर देवी बनाऊंगा। इधर आओ सैया, मैं तुम्हें एक बहादुर सिपाही बनाऊंगा। सैया इधर आओ, मेरे साथ देवी और देवताओं की टोली है। इधर आओ सैया, मेरे पास बंदूक और गोली है। मेरे पास आओ सैया, यहाँ आओ सैया। सैया इधर आओ, मेरे पास आओ सैया। मैं कह रहा हूँ सैया यहाँ आओ। इधर आओ सैया। सैया उधर कभी मत जाना, इधर आ जाओ सैया। नहीं नहीं सैया। हाँ सैया, सैया रज्जू के पास आ जाओ सैया।
अच्छे, होशियार सैया। हाँ, शाबाश शाबाश। जरा संभल के है। हाँ, फायर। शाबाश शाबाश। जगतपुर की पहाड़ियों, मेरे कमाल की दाद दो और गवाह रहना कि मैंने चंद ही दिनों में सैया को निशानेबाजी में माहिर कर दिया है। यह है राज और यह है राज की शान। जगतपुर की पहाड़ियों, गौर से सुनो और गवाह रहना कि ये मेरी अपनी मेहनत और शौक का नतीजा है, वरना राज राज कुछ नहीं, राज की शान कुछ नहीं। ये बात है जी। हाँ। मेरी अच्छी सैया, मेरा इनाम ला रजू लाया हूं। ये ले, ये ले, ये ले। मुझे जेवर नहीं चाहिए, ये दे दे मुझे। जियो सैया, बहादुर लड़कियों का यही जेवर। सैया, बड़े भैया की शादी हो जाए तो मैं पिताजी को अपनी शादी के लिए भी राजी कर लूंगा। तू किससे शादी करेगा? तेरे साथ। पिताजी भी मान जाए, माताजी भी मान जाए, और मैंने ना कह दी तो? तू ना कह ही नहीं सकती। बड़े भैया की शादी नहीं हुई तो? नहीं कैसे होगी सैया, कल सगाई है, दो चार दिन में शादी हो जाएगी। और तू कहे तो मैं शादी भी कल करवा दी। झूठा के।
भाई वाह ठाकुर साहब, खाना भी खूब रहा और गाना भी खूब। जरा लड़के को बुला लीजिए, देख ले और बच्ची भी समझ गए ना मेरा मतलब। जी हाँ राय साहब, बड़ी खुशी से। लड़का क्या है, हीरे का नगीना है। हाँ। और नगीना भी वो जो हमारे ही घर में मिल सकता है। हाँ, बेशक, बेशक। इधर आओ बेटा। नमस्ते जी। आओ बेटा। कहो बेटा, आजकल क्या काम करते हो? काम जी, सवेरे उठ करके माता जी का और पिताजी का आशीर्वाद लेता हूँ, फिर पूजा पाठ, और उसके बाद रामायण और गीता पाठ, और फिर जो वक्त मिलता है समाज की सेवा। भगवान औलाद दे तो ऐसी ही दे। लेकिन राय ठाकुर साहब, लड़का मुझे बहुत पसंद है। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम जाओ राज, जाओ। लेकिन मैं रिश्ता बड़े लड़के का चाहता। माफ कीजिए ठाकुर साहब, छोटा लड़का मुझे बहुत पसंद है। निर्मला की शादी मैं इसी से करूंगा। मेरे कहने का मकसद ये है राज। मैं समझ गया। जरा इधर आइए। ये क्या किया राज ने? देखिए लड़की बहुत अच्छी है, राज से बात कर लीजिए। लेकिन वो मानेगा? बात तो कर लीजिए फिर देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। राज साहब, आपने मुझे जरा उलझन में डाल दिया है। मामला जरा नाजुक है, इसलिए कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। हाँ हाँ। राज यहाँ आओ। जी पिताजी। राज मैं चाहता हूँ निर्मला से तेरी शादी हो जाए। मेरी शादी निर्मला के साथ? ये कैसे हो सकता है पिताजी? क्यों? निर्मला एक नाते से मेरी भाभी होती है, भाभी माँ के बराबर होती है पिताजी। ठकुराइन सुन रही हो? तुम्हारा लाडला मेरी मूछों से खेलना चाहता है। समझ से काम ले बेटा, लक्ष्मी ठुकराई नहीं जाती। माताजी, अगर राय साहब मुझे देखकर मेरे बड़े भाई को ठुकरा सकते हैं, तो मुझे भी उनकी लड़की को ठुकराने का हक है। आप लोग मेरी फिक्र न करें, मैंने अपने लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। सुन रही हो? माँ बाप को खबर नहीं, और बेटे ने रिश्ता ढूंढ लिया है। राजी ये तो क्या कह रहा है? माता जी, अगर शादी का मतलब बैंक और तिजोरियों का नहीं, दिलों का मिलाप है, तो राज के गले की माला जवाहरात से खेलने वाली निर्मला नहीं, अंधेरे में चमकने वाली सैया बनेगी। राज, राज को क्या कहती हो? उस प्यार को कहो जिसने ये दिन दिखाया है। माँ को जो करना था कर चुकी, बेटे को जो कहना था कह चुका, अब बाप का फैसला भी सुन लो। आज के बाद इस घर में सैया की याद रह जाएगी, सैया नहीं रहेगी। आत्मराम, आत्मराम। कहिए ठाकुर साहब, क्या सोचा आपने? ठहरिए राय साहब, आपके रिश्ते से पहले मुझे एक और रिश्ता तय करना है। कहाँ है आत्माराम? आया सरकार। हाँ, क्या हुक्म है सरकार? मैं जरा चिलम पीने बाहर चला गया। मैं गई तुम्हारी चिलम। हाँ आओ मेरे साथ। चलिए राज, माँ बाप की इज्जत का सवाल है, मान जाओ राज। आत्मराम। जी सरकार। तू मेरा कर्जदार है। हाँ बेशक, मगर इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। भगवान ने चाहा तो आइंदा साल। आइंदा साल नहीं, आइंदा माह नहीं, परसों, सिर्फ परसों। परसों, परसों, परसों क्या हो सकता है सरकार? दो साल का कर्जा भला दो दिन में कैसे अदा कर सकूंगा? कर्जा माफ करता हूँ, 5,000 रुपए और दूंगा। लेकिन एक शर्त है, तू दो दिन में सैया से शादी कर ले। सैया? हाँ। सैया, हे भगवान सैया। आत्मराज, मेरा कहने का मतलब यह है सरकार के दो दिन की मुद्दत बहुत होती है, अगर हुक्म हो तो कल सूरत निकलने से पहले बारात ले आऊं। बस चुप रह। अच्छी बात, जैसी मर्जी। भाइयों, मैं खुश हूँ कि एक अनाथ लड़की को ऊंचे घराने में ब्याह कर मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। परसों इसी जगह सैया और आत्माराम का ब्याह होगा। पिताजी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। राज, मेरी समझ और मेरे फैसले से जंग न करो, चले जाओ यहाँ से। पिताजी, अगर आप खून ही का चिराग जलाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, ये चिराग आसानी से नहीं जलेगा। रज्जू, ये चिराग चलेगा और बच्चों ही जलेगा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे मैं रोकूंगा। स्वामी, ये क्या कर दिया आपने? तुम चुप रहो। सैयद,
पिताजी का फैसला सुन लिया? सुन लिया। और मेरा फैसला सुना? नहीं, सुना दो इस छत को, पत्थर की इन बेजान दीवारों को और इस बुझते हुए चिराग को। बहुत से चिराग बुझ चुके हैं, बहुत से शीशे टूट चुके हैं, अब इस आंधी को रोकना होगा। तैयार हो जाओ इस जुल्म से लड़ने के लिए। मैं लड़ने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार हूं। सैया, मैं अनमोल मोती को भिखारी की झोली में कभी न जाने दूंगा। मोती जब सीप की गोद से जुदा हो गया तो उसके लिए राजा की माला और भिखारी की झोली दोनों बराबर है। अब इस शादी को होने दो, जीने की जगह न सही, मरने की जगह तो मिल जाएगी। ये शादी नहीं होगी, ये है मेरा फैसला। सैया तोरी गोदी में गेंदा बन जाऊंगा, सैया तोरी सैया 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 तोरी गोदी में। ये जोड़ा मारा को आत्माराम गल। मैंने कहा सैया मुबारक हो आत्माराम को भी है सब। मैंने कहा ये जश्न शादी का मुबारक हो वे गल, और दौलत हो इज्जत हो मुबारक हो गल। लो इस खुशी के मौके पे माल पहुंच। हाँ जी, वो गुलफाम वाला शेर क्या था? बाद शादी की हो एक चांस, और हम भी आकर कहे गुलफाम मुबारक। यानी मैं आप सज्जनों यानी के मित्रों, नहीं नहीं यानी के दोस्त भाइयों का किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? कौन है? शुक्रिया अदा करने का तरीका मैं बताता हूँ। छोटे ठाकुर आइए आइए, सर पे आंखों पे कलेजे पे बिठाऊं तुमको, आ मेरी जान गले से मैं लगाऊं तुमको। चल अपने बुढ़ापे और अपनी इन हरकतों को देखो, इस शादी से बाद आओ आत्माराम, मित्रों और सज्जनों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। देखो छोटे ठाकुर, इस खुशी के मौके पे ऐसे मनोज जुमले ना निकालो। हाँ तुम क्या जानो मोहब्बत की चिड़िया का नाम है? ये डाका है, मैं धोखे और फरेब के इस घिरौंदे को मिटा कर रहूंगा। देख लूंगा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ ठाकुर, तुमने शहर गांव मोहल्ले पड़ोस गरज हर जगह मोहब्बत का तूफान उठा रखा है, अब तुम मेरा रास्ता रोकने आए हो? जाओ जाओ, ये शादी होगी और कल ही होगी। मैं कहता हूँ ये शादी नहीं होगी। मैं अंदूक बंदूक से डरने वाला इंसान नहीं ठाकुर, मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से। अब भी वक्त है आत्माराम, अच्छी तरह सोच ले वरना पछताना पड़ेगा। मैंने खूब सोच लिया है बच्चू, तेरी नीयत खराब मालूम होती है। याद रख, शादी के बाद तुझसे जरूर पर्दा कराऊंगा। सैया को भूल जा मैं कहता हूँ, वो तेरी बेटी के बराबर है। बेटी होगी तुम्हारी, मेरी तो दुल्हन है दुल्हन। और याद रखो रज्जू, मैं तुम्हारे घर का दामाद हूँ दामाद, और दामाद से ऐसी बातें नहीं किया करते। चुप रहो बदतमीज। बदतमीज होगे तुम, बदमाश होगे तुम। ये शादी होगी और जरूर होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। अरे पिताजी। विजय बाबू, ये क्या हुआ? रज्जू ने खून कर दिया। सिंह नहीं, रज्जू किसी का खून नहीं कर सकता। उसने एक नहीं बल्कि तीन खून किए हैं, पहला शराफत का, दूसरा इंसानियत, तीसरा एक बेगुनाह की जिंदगी का। रज्जू, रज्जू ये तूने क्या कर दिया?
तुम अपने कमरे में जाओ, यहां पुलिस आ रही है, जाओ। पिताजी, पिताजी, खून करके भाग गया है तुम्हारा लाडला। रानी, तुमने बेटे को नहीं सांप को दूध पिलाया था, आज उसने हम सबको डस लिया है। पिताजी, विजय, पिताजी पुलिस अंदर आ रही है। आने दो, अब ये एक इज्जत वाले राजपूत की हवेली नहीं, एक मुजरिम बेटे से बाप का घर है। विजय, अब क्या होगा? क्या होगा? अब तुम्हारा लाडला हथकड़ी पहना कर लाया जाएगा और प्यार करने वाली माँ झरोके में बैठकर तमाशा देखेगी। रज्जू, रज्जू, ये तुमने क्या किया? माताजी, माताजी अपने आप को संभालिए। आइए, आइए थानेदार साहब, आइए। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, बड़े शौक से तलाशी लीजिए, तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, एक एक कमरा देखिए, एक एक कोना छान लीजिए, और देखिए ठकुराइन के कमरे में जाने के लिए अदब और लिहाज की जरूरत नहीं, बगैर आवाज दिए अंदर चले जाइए। इस घर में मुल्क और कौम का बहादुर सिपाही नहीं, कानून का मुजरिम पला है। विजय बेटा, गौर से देखकर बताओ, इतना भोला चेहरा किसी खूनी का हो सकता है? माफ कीजिए, मुझे इस कमरे की तलाशी लेना है। तलाशी लेना है? तुम जिस देवड़े पर सलामी के लिए आते थे, आज उसी घर की तलाशी लेने आए हो? मैं मजबूर हूँ। तो जाओ ले लो तलाशी, लेकिन मेरा लाल बेकसूर है। ठाकुर साहब, कत्ल की खबर सुनते ही मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सच मानिए, इतना सदमा हुआ है कि कह नहीं सकता। जमींदार साहब, आपको कितना सदमा हुआ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप अफसोस करने नहीं, मेरे जख्म की गहराई नापने आए हैं। आप देखने आए हैं कि मेरी गर्दन झुकी है या नहीं, मेरी आंखों से लहू टपका है या नहीं। अफसोस करने आए हैं। चले जाइए यहाँ से, मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं। चलो जी, चलो। सैया, तुम्हारा नाम है? हाँ। खूनी कहाँ है? देख लीजिए। सैया, तुम जानती हो कि यह खून तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर कातिल तुम्हारे पास आए या कोई पैगाम भिजवाए तो थाने में फौरन खबर कर देना, और याद रखो, मुजरिम को पनाह देना जुर्म है। मुजरिम, वो कानून का मुजरिम है, दुनिया का मुजरिम है, राजू मेरे दिल का मुजरिम नहीं। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, रज्जू को आज नहीं तो कल गिरफ्तार कर लूंगा। इस अरसे में अगर आपको कुछ खबर मिले तो मुझे इतला कर दीजिएगा। थानेदार साहब, शायद आप अपनी कोशिशों में कामयाब न हो, वो मेरा बेटा है, मैं जानता हूं उसे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मौका मिला तो मैं खुद उसे हथकड़ी पहनाकर थाने में लाऊंगा, ताकि मुजरिम को सजा मिले और इंसाफ का सर ऊंचा हो।
ये तुमने क्या किया राजू? तुमने क्या किया? खून किया है। एक दीवार गिराई जो मेरे और तुम्हारे दरमियान आ गई थी। मुझे मार डाला होता तुम्हारी एक गोली नहीं, खानदान की इज्जत, बाप की शान और पूरी माँ के सुखों का खून कर दिया राजू। मुझे मार डालते सही खत्म हो जाता। सैयां, दुआ करो कि मेरा प्यार पागलपन की हद तक न पहुंच जाए, और अगर पहुंच गया तो शायद मैं तुम्हें ही मार डालूं ताकि दुनिया की कोई ताकत कोई हस्ती तुम्हें हासिल न कर सके। सैयां, किस्सा यूं खत्म होगा। मार डालूंगा मैं तुम्हें, मार ही डालूंगा सैयां। राजू को हमने यहाँ देखा। राजू को यहाँ देखा है? जी हाँ। ये मैं नहीं मान सकता। राजू इस घर में कदम नहीं रह सकता। थानेदार साहब आप यकीन मानिए, थानेदार साहब आप यकीन मानिए कि मेरे होते हुए राजू घर में कदम नहीं रह सकता। उसकी जरूरत नहीं पड़ सकती कि वो यहाँ आए। थानेदार साहब आप माने या न माने लेकिन रज्जू इस हवेली में कदम नहीं रह सकता। उसकी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो यहाँ आए। मुजरिम कहाँ? कौन? रज्जू। मैं रज्जू बेटे को जानती हूँ, मुजरिम को नहीं। इनका कहना है कि रज्जू अभी अभी यहाँ आया था। रज्जू की माँ यहाँ है, रज्जू नहीं। देख लिया आपने, मैं इसीलिए आपसे कहता था कि रज्जू यहाँ नहीं आ सकता, इस हवेली में कदम नहीं रख सकता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ सकती। जवाब नहीं। मैं तेरे लिए हर ताकत से लड़ सकती हूँ। सिर्फ इतना कह दे कि तूने खून नहीं किया। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा माँ, मैंने खून किया। मैंने वो आग बुझाई जिसमें मेरी सीने झोंकी जा रही थी। तूने आग बुझाई लेकिन खून से, खून रंगलाए बगैर नहीं रहता। माँ अब बता क्या लेने आया है मेरे पास? मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया हूँ माँ, और कुछ रुपए माँ। अच्छा ठहर यहाँ। ठाकुराई मैंने कहा सुनती हो, अब तो इस घर में रात को 12 बजे में पुलिस आने लगी है। पिताजी वो कुएं में थानेदार गिर गया। पिताजी थानेदार गिर गया, मैं तो उसे अभी बाहर छोड़कर आया हूँ। तो फिर वो सिपाही होगा। आइए जल्दी चलो, जल्दी चलो। ले बेटा। माँ अच्छा जाता हूँ। माँ जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। देख रहा हूं कि इस घर पर जो मुसीबत आई है उसका सबसे ज्यादा असर तुम्हारे दिल पर हुआ है।
इसलिए कि इस मुसीबत की बुनियाद ही मैं हूं। मैंने एक माँ बाप का सुखर चैन छीन लिया। होनी होकर रहती है सैयद, और फिर यहां जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा नहीं बल्कि बाप की जिद और माँ के प्यार का हाथ है। घर जलता है घर की आग से, मगर दोष हमेशा हवा को दिया जाता है। काश मैं यहां ना। इस कोट को क्या देख रही हो? सोच रही हूं कि कोट का पहनने वाला कब आएगा। तुम अभी तक उस नाहंगार के लिए तड़प रही हो। उस दिन पुलिस के आदमी घर की तलाशी लेने आए और आज मुझे जिंदगी में पहली बार कोतवाली जाना पड़ा। कोतवाली गए थे क्या? रज्जू के बचने की कोई सूरत निकल आई है? बचने की नहीं, गिरफ्तार होने की। शहर से मुसल्ला पुलिस के और 5 दस्ते मंगाए गए हैं। हर तरफ इनाम के पर्चे बांटे गए हैं। अब वो जहां भी होगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं यही कहने आया था तुम्हें। सैया जी, तुझे कुछ मालूम है राज का ठिकाना? नहीं, सिर्फ इतना जानती हूं कि वो जिंदा है। कैसे जिंदा है, कहाँ है, ये मैं नहीं जानती। माता जी, अगर मालूम हो भी तो मैं कर ही क्या सकती हूँ? तू कुछ नहीं कर सकती, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती, लेकिन माँ, बेटी, शहर से और पुलिस आ गई है, जंगल और पहाड़ों का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। अगर राज ने मुकाबला किया तो मारा जाएगा, जिंदा गिरफ्तार हो गया तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या करूं, कहां ढूंढूं उसे? मैं बताता हूं। कहां है मेरा लाल? इरावली की चोटी पर, गोरखनाथ की गुफा में। तुम्हें बुलाया है रानी माँ। तू भाग गया, तू भाग गया यहां। सैया, तू इस रात की अमानतदार है, मैं जाती हूँ। और देख, कोई पूछे तो कह देना मैं मंदिर गई हूँ। मंदिर है? यह है मेरी हवेली। पत्थरों का तकिया, घास का बिछोना और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ मेरे पहरेदार हैं। मेरा बेटा। आओ मां। बैठो ना मां, बैठो। मां, अगर आज ना आती तो मैं खुद ही आने वाला था। तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया मां। बेटा, तेरा दिया हुआ दुख भी मुझे तेरी तरह ही प्यारा है। मां की खिदमत से बच्चे थक जाते हैं,
बच्चों की खिदमत से मां नहीं थका करती। ले संभाल लीजिए। माफी भी, प्यार भी और रुपए भी, मां के दामन में क्या क्या भर दिया है भगवान ने। बातों का वक्त नहीं है बेटा, पुलिस तेरी तलाश में है, तू यहां से कहीं भाग जा। वक्त ऐसा आ गया है कि शायद मां का प्यार भी तुझे कानून से न बचा। तुमने टूटी हुई रथ में मजबूत पहिया लगा दिया है मां, अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, मैं यहां से चला जाऊंगा। कहां चला जाएगा बेटा? खबरदार जो बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, अभी इसमें गोलियां और बाकी है। पिताजी बोल रहे हो राज, मैं कल तक तुम्हारा बाप था लेकिन आज तुम्हारा दुश्मन हूं। तुमने मां के प्यार को धोखा दिया लेकिन बाप के उसूल को धोखा नहीं दे सकते। खून का बदला खून है, आओ मेरे साथ। स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? घबराओ नहीं रानी, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। मगर याद रखिए कि ढाल के टूटे बगैर दिल पर वार नहीं हो सकता। इसे गिरफ्तार करना है तो पहले मुझे मार डालिए। अब रोती हो तुम लाड प्यार में ये भूल गई कि जो पौधा पानी के बदले जहर से सींचा जाएगा वो बड़ा होकर मीठा फल कभी न देगा। माँ अपने दिल से मजबूर है, मालन फूलों को सींचते वक्त कांटों को प्यासा नहीं छोड़ दे। खामोश, लो ये टोरी और खूनी के हाथ मजबूत बांधो, इसे मेरे साथ चलना होगा। क्या देखती हो, जल्दी करो। मगर आप कहां ले जाएंगे इसे? उस कटहरे की तरफ जहां मजलूम को इंसाफ और कातिल को फांसी मिलती है। स्वामी ठकुराइन, जो गर्दन शान से हमेशा ऊंची रहती थी आज इसे झुका दो और अपनी निगाहें नीची कर लो। तुम एक मुजरिम बेटे की मां हो, बांधो हाथ, बांधो। मां बांध दो हाथ। मुझे माफ कर दे बेटा। बांध चुकी? बांधती हूं। जल्दी बांधो। बांध तो रही। पिताजी बंध गए हाथ। ठकुराइन, मेरे कदम पे कदम रखती हुई साथ साथ आओ और ख्याल रखो डोरी खाली ना होने पाए। इत्मीनान रखिए, डोरी खाली ना होगी। आओ रानी। बाप अपना फर्ज अदा कर रहा था, माँ ने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मैंने कहा था डोरी खाली न होगी। डोरी खाली न होगी। ठहर जा राज, मैं कहता हूं वहीं रुक जा। लेकिन हमेशा नहीं बचेगा। रानी आज तूने मेरे माथे पर कलंक का वो टीका लगा दिया है जिससे मेरी आने वाली सास पुश्तें भी न धो सकेंगी।
हुआ माँ जी? क्या हुआ? जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। स्वामी चुप रहो ठकुराइन। मैंने अब तक तुम्हारे इशारे पर चलकर अपना घर बर्बाद कर लिया। नाम गया, शान गई, औलाद गई, लेकिन अब तुम्हें मेरे हुक्म पर चलना पड़ेगा। और मेरा सबसे पहला हुक्म यह है कि ये खूबसूरत बला इस घर की चहार दीवारी से दूर हो जाए। सुन लिया? माँ जी को कुछ न कही, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ऐसी जिंदगी से मौत ही अच्छी। तो चली जा, किसी वक्त चली जा। मेरा चला जाना ही अच्छा है माँ जी, लेकिन तू आगे कहाँ जाएगी बेटी? जहाँ तकदीर ले जाएगी। इसके कपड़ों की पोट ले लिया और इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ये राजू को दे दीजिएगा बेटी। बगुले का कोई ठिकाना नहीं, आंधी नहीं जानती उसकी मंजिल कहाँ है। पिताजी की बातों का बुरा न मानो,
वो तो आजकल अपने होश में नहीं। आओ मेरे साथ चलो। भूल जाओ विजय बाबू, मैं तो इंसान हूँ, कूड़ा भी एक बार जिस घर से निकल जाता है फिर उस घर में वापस नहीं आता। पागल ना बनो सैया, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगी सैया। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी सैया, मैं नहीं जाऊंगी। रानी ठकुराइन। सरकार, रानी माँ ने अपना कमरा बंद कर लिया है, सुबह से अब तक कुछ खाया पिया नहीं। कमरा बंद कर लिया है, कुछ खाया पिया नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? रज्जू, अब मुझे न देख, मुझे न पुकार, मैं तेरे लिए दुनिया से लड़ी, बहुत लड़ी, मगर अब शायद न लड़ सकूं, क्योंकि मैं स्त्री भी हूं। स्वामी क्या बात है? रानी तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रही हो? अब आइए इन टुकड़ों को अपने कदमों से रौंदते हुए मेरे पास आ जाइए। ये क्या पागलपन है, कैसे टुकड़े हैं ये? ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैंने राज के टुकड़े करके आपके चरणों में डाल दिए ताकि ममता की दीवार पति पूजा का रास्ता न रोक सके। कैसी बातें कर रही हो रानी, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने मां बनकर बहुत कुछ किया, फिर बनकर कुछ भी नहीं। मुझे माफ कर दो स्वामी, अब मैं आखिरी के हुक्म पे चलूंगी। क्या कह रही हो रानी? प्यास सो गया, प्यास सो गया स्वामी, पर जाग उठा। रानी, रानी, रानी। माता जी, रानी, माता जी, इन्हें क्या हुआ पिताजी? सैया, सैया, सुन लिया, इनका इलाज सिर्फ सैया, अगर आप कहें तो मैं उसे ढूंढ के ले आऊं। विजय, अगर मिल सके तो ले आओ सैया को इनके लिए, मगर ये वादा कीजिए पिताजी कि उसे दोबारा तो घर से नहीं निकाला जाएगा। नहीं, कभी नहीं। रानी, सैया आ जाएगी, आ जाएगी सैया। रानी, 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 सैया आ जाएगी। माँ, माँ तुम जियो, माँ तुम 100 बरस, 1000 बरस, 1,00,000 बरस जियो। माँ तुमने वो काम किया है कि मेरा दिल बाप बाप कर दिया। अच्छा, माँ मुझे बहुत काम है, 2 ही दिन तो बाकी रह गए हैं। अच्छा माँ,
मैंने कहा सुनती हो, बैंड बाजे का भी इंतजाम हो गया है और दर्जी सुनार रंगरेज सबको ताकीद कराया हूँ कि वक्त से पहले चीजें तैयार हैं। और घोड़े के जेवर? वो तो बनकर आ गए हैं। नौकरों की वर्दी? हाँ सब कुछ तैयार है, तुम फिक्र न करो रानी। वो तैयारियां की हैं कि बारात को देखकर चांद तारे भी नाचने लगेंगे। और आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? खिजाब का पार्सल आ ले दो, लोग देख के कहेंगे जालिम ने मार डाला। शेक्सपियर की जूलियट और कालिदास की शकुंतला, मैं कितना खुशनसीब हूं कि इन दोनों की खूबसूरती दुल्हन बनकर मेरी गोद में आने वाली है। ये आपके दिल की खूबसूरती है जो ऐसे समझते हैं, वरना मैं क्या हूं नहीं जानती हूं। एक दहकता हुआ अंगारा हूं जो दूर से भला मालूम होता है मगर हर छूने वाले को छुलक कर रख देता है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो सैया, इतनी परेशान क्यों? रात मैंने ख्वाब देखा, कोई मुझे डोली में बिठाकर आकाश पर लिए जा रहा है। जब सितारों की दुनिया पीछे रह गई, चांद मेरे पास आ गया तो उसने डोली छोड़ दी, चांद दूर हो गया, सितारे भी छुप गए, मैं आकाश और धरती के बीच में गिरने लगी। चिराग सदा जलता रहे भगवान, बस यही प्रार्थना है। डर गई? के दिन मुझे तुमसे डर नहीं चाहिए। इसलिए कि मुझे बर्बाद करके तुम अपना घर आबाद कर रही हो? नहीं, तुमने औलाद होकर माँ बाप की खुशी छीन ली, मैं गैर होकर औलाद का फर्ज अदा कर रही हूँ। तुम जो कह रही हो वो झूठ है और जो कर रही हो वो फरेब है। शायद मैं जो कर रही हूँ, मेरे दिल से पूछो क्यों कर रही हूँ। तुम्हारे पास दिल नहीं, पत्थर है, और पत्थर भी वो जो दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त है। फिर भी तुम्हारे दिल से अच्छा है रज्जू, क्योंकि उसमें धर्म नहीं, इसमें धर्म है। धर्म की जरूरत बुढ़ापे में पड़ती है सैया, जवानी में नहीं। बुढ़ापा डरता है, करता नहीं, जवानी करती है, डरती नहीं। मैं ये फैसला करके आया हूँ कि हर ताकत से तुम्हें छीन कर ही रहूंगा। मैं तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता देती हूँ जो तुम्हें मुझसे है, अपनी खुशी के लिए इस घर की खुशी मत छीनो। और मैं भी तुम्हें उसी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ जो तुम्हें मुझसे है। मेरे साथ चलो सैया, पत्थर के उस मजबूत किले में जहाँ ये तूफान नहीं आते, जहाँ हवा से चिराग नहीं बुझते। मेरे साथ आओ सैया। तुम एक खूनी कातिल और कानून के भागे हुए मुजरिम हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अरे भी धोखेबाज,
काश मैं जानता कि औरत पहले फूल और बाद में कांटा बन जाती है। सैया, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं नहीं जाओगी? नहीं नहीं जाओगी? नहीं। सैया तुम्हें क्या हो गया? सैया, अरे ये तुम रो क्यों रही हो? ठोकर खाकर गिर पड़ी थी, देखिए ना कितने जोर का तूफान है। घबराओ नहीं, मैं दुनिया के तूफानों से बचाने के लिए तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूंगा, अपने दिल के तहखाने में छुपा लूंगा। भाई साहब, राज आंखें मेरे पास भी हैं और मेरे दिल का तहखाना माफ करना तुम्हारे तहखाने से ज्यादा मजबूत है। राज, शायद तुमने ये नहीं सुना कि सैया की और मेरी शादी होने वाली है। यही सुनकर आया हूं। लेकिन ये शादी होगी कैसे भैया? क्योंकि शादी होने तक तुम दोनों में से एक जिंदा नहीं बचेगा, या तुम नहीं या सैया नहीं। राज, तुम पागल हो गए। मोहब्बत में आदमी पागल हो ही जाता है। मोहब्बत के माने तुमने गलत लिए हैं। पतंगा जलकर मर जाता है मगर दीप की रोशनी नहीं बुझाता। मैंने मोहब्बत का सबब पागल पतंगे से नहीं सीखा। आदमी से तो लकड़ी का तख्ता अच्छा होता है राज, जो खुद गोते खाता है मगर दूसरों को पार लगा देता है। ज्यादा बोझ पड़ता है तो वो भी डूब जाता है। मैंने हर बोझ को उठा लिया लेकिन सैया के गम का बोझ शायद ना उठा सके। ये मोहब्बत नहीं खुदगर्दी है। तुम आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों गिरफ्तार हो जाओगे। दो चार दिन के लिए इसकी जिंदगी क्यों तबाह करते हो? अगर यही दो चार दिन इन जुल्फों की छांव में गुजार दूं तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। भैया, मैं सैया की मांग संदूर से ना भर सका तो अपने खून से जरूर भरकर जाऊंगा। जिद ना करो राज, अब सैया को जीतने के लिए तुम्हें अपने सर की बाजी लगाना पड़ेगी। मेरे पास एक सर ही बाकी रह गया है विजय, आओ मैं उसी को दांव पर लगाता हूं। कल सवेरे 7 बजे सैया को लेकर हनुमान टेकरी पर पहुंच जाना, वहीं हार जीत का फैसला हो जाएगा। ना आए तो याद रखना एक बार आपका अंजाम तुम देख चुके हो। और अगर मेरी मां का दूध पिया है तो पुलिस को खबर न करना। जाओ राज, सैया नहीं आएगी लेकिन विजय जरूर आएगा। मैं नहीं जाने दूंगी। वो एक खूनी है राजू, एक खूनी है। चला गया था मगर आज कुछ कर ही जाएगा। जल्दी कोई इंतजाम कीजिए, विजय बाबू घर में नहीं है। क्या हुआ बिटिया, क्या हुआ? क्यों घबरा रही है? क्या हुआ विजय को? कहाँ गया विजय? राज ने उन्हें मुकाबले के लिए बुलाया है। भगवान जाने आज क्या होगा। इस मुकाबले को रोकना पड़ेगा नहीं तो दो में से एक वापस नहीं आएगा। मगर कहाँ बुलाया है? हनुमान टेकरी। मुनीम जी, नारायण, शंकर, जल्दी करो, गाँव वालों को जमा करो। भगवान, मेरे रज्जू को मौत ही क्यों नहीं आती?
मैं नहीं आया हूं राज, सच्चाई की ताकत और माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। ये खिलौने तुम्हें मुबारक हो विजय, मुझे दुआएं देने वाले माँ बाप नहीं, मोहब्बत करने वाली सैयां चाहिए। जिन्होंने खून और हड्डियों का ये आलीशान महल बनाया वो कुछ नहीं, और जिसने सिर्फ दो दिन के लिए तेरी जिंदगी में उजाला कर दिया वो सब कुछ है। राज, जिसे माँ बाप से प्यार नहीं वो दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकता। तुम सांस लेते हुए पत्थर और खोलते हुए पुतले, प्यार वो हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये हवस है राज, प्यार वो नशा है जिसका असर दिल और आत्मा पर होता है, इस मिट्टी की काया और दिमाग पर नहीं। तुम बह गए हो राज, अगर माँ बाप की इज्जत बचाना चाहते हो तो सैया का ख्याल छोड़ दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बहुत अच्छे बड़े भैया, तुम चाहते हो कि मैं तो फांसी पर चढ़ जाऊं और सैया को तुम्हारे लिए छोड़ जाऊं। विजय, सैया मेरी है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। अब सैया तक पहुंचने के लिए तुम्हें घर की ईंटों और खानदान की लाशों पर से गुजरना होगा राज। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, मैं हर मोड़ से गुजर जाऊंगा, मैं हर उस पत्थर को हटा दूंगा जो मेरे सामने आएगा। बंदूक उठाओ विजय, फैसला आज ही होगा, या मुझे अपने रास्ते से हटा दो या तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। राज, भगवान के लिए पागलपन से बात आओ। मैं एक से पांच तक गिनता हूँ विजय, अगर पांच पर तुमने फायर ना किया तो छह पर मैं गोली चला दूंगा। राज, एक, दो, पांच। मुझे ये ना होगा राज, गोली से जख्म तुम्हें आएगा लेकिन खून मेरा बहेगा। छह, जाओ भैया, तुम्हें सैया का माफी समझ कर माफ कर देता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप इत्मीनान रखिए। डॉक्टर साहब, रुपयों का ख्याल न कीजिए, विजय को किसी न किसी तरह बचाना होगा वरना इसकी बूढ़ी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकेगी। घबराइए नहीं, दवा हमारे हाथ है और शिफा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो भी गए, ये भी गए, कोई नहीं। घबराओ नहीं रानी, विजय बच जाएगा, खतरे की कोई बात नहीं है। बाप को मार डाला, माँ को मार डाला, विजय को मार डाला, वो सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा। रानी, अजय कहाँ हो? रानी, तुमने आतिशबाजी मंगाई थी आपके लिए। रानी, राजू ने खाना अंधेरा कर दिया। रानी, राजू ने खाना अंधेरा कर दिया। रानी, रानी कहाँ जा रही हो? अब बात नहीं निकलेगी, अब शादियां नहीं गाए जाएंगे। भाई ने भाई का चेहरा जला दिया। रानी, बेटे ने माँ की जीत छीन ली, सुनते हो? बेटे ने माँ की जीत छीन ली। कहाँ है तुम्हारी शान, कहाँ है बड़ी हवेली की इज्जत? ठाकुर जी, तुम्हारा बेटा फांसी के तख्ते पे चढ़ेगा। मौत कहेंगे बड़े ठाकुर के घर में खून ही पैदा हुआ था। उठो, सो रहे हो, उठो ठाकुर, कब तक सोते रहोगे? जवाब नहीं दोगे? मगर मैंने एक तुम्हारे काम बन कर दी, मुझे माफ कर दो स्वामी। रानी, मुझे माफ कर दो स्वामी। रज्जू,
से अपनी दी हुई चीजें मांगती हूँ। राज, तेरे रगों में मेरा खून है, तेरे बाजुओं में मेरा जोर और तेरी आंखों में मेरा नूर है। मेरी दी हुई चीजें मुझे वापस कर दे राजू, और फिर बता कि तुझमें क्या है, क्या है तुझमें। मुझे अकेला ना छोड़, मेरा तुम्हारा दिन जीवन का साथ है। रानी, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो, टकराएं, टकराएं। रानी, बुझा दिया ना चराग, उजड़े घर की बाहर ना देख सके, बूढ़ी माँ की खुशी ना देख सके, गरीब दुल्हन का सुहाग ना देख सके, तो फिर तुम क्या देखना चाहते हो? तुम और क्या देखना चाहते हो? मुझे राज ने भेजा है, और कल शाम को वो सरहद पार कर रहा है, और उसने कहा है कि सूरज डूबने से पहले तुम उसके पास पहुंच जाओ, और उसने पूछा है कि तुम आओगी या नहीं। उससे कहना मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। बड़े बाबूजी, रानी मां और विजय बाबू को पढ़ना, इन बुलंद दीवारों और ऊंची छत को पढ़ना। Thank you.
आज छुपने की कोशिश न करो रज्जू, मैंने तो एक ही गोली चलाई है और तुम कई गोलियां चलाती हो। मजबूर हूं, उधार नहीं रहता। मेरी बहादुर सैया, अब एक बार सामने आकर कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। कह दो सैया, और फिर एक गोली यहां और। रज्जू, तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं। बड़ी बेरहम हो सैया, बड़ी बेरहम। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर गैरों को मारा और तुमने गैरों के लिए मोहब्बत को मार डाला। मोहब्बत को मार डाला। मुझे तुमसे मोहब्बत है। आ सको तो आ जाओ सैया, मौत मुझे इंतजार नहीं करने देगी। राजू, राजू ठहरो, राजू मेरे बकार मत बनना, मैं मरी हूँ राजू, आखिरी वक्त धोखा न देना राजू, 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 ठहरो राजू। आ जाओ सैया। आ जाओ सैया, आ जाओ। आ गई रज्जू, रज्जू मैं आ गई, आ गई रज्जू। Yeah.